हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट से लेकर सिक्स पार्ट तक सोल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड, और फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2.7 डिवाइडेड बाय 100, यानी हमें 2.7 को डिवाइड करना है 100 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें 2.7 को डिवाइड करना है 100 से, तो 2.7 तो यहाँ न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में 100 आएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में दो जीरो हैं, हम ये दो जीरो यहाँ से हटाएंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। तो न्यूमरेटर में डेसिमल हमें यहाँ पर नजर आ रहा है 2 और 7 के बीच में। तो जब हम डिनोमिनेटर से ये दो जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 2 और 7 तो यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा, और ये डेसिमल पहले यहाँ पर था 2 और 7 के बीच में, अब ये यहाँ से दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो पहले ये 2 को क्रॉस करेगा। अब देखिए 2 के लेफ्ट में तो कोई डिजिट नहीं थी, तो 2 के लेफ्ट में हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब ये डेसिमल यहाँ से देखिए 1 2, ये दो डिजिट्स को क्रॉस करके लेफ्ट की तरफ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और इस डेसिमल के लेफ्ट में आप ये 0 लिख कर दिखा सकते हैं। इस 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है जो डेसिमल के लेफ्ट में लगाई जाती है, ये सिर्फ लिखने का एक तरीका होता है। तो जब हमने 2.7 को डिवाइड किया 100 से, तो हमें आंसर मिला है 0.027। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 0.3 डिवाइडेड बाय 100, यानी हमें 0.3 को डिवाइड करना है 100 से। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर एज इट इज लिख लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि 0.3 को डिवाइड करना है 100 से, तो 0.3 तो न्यूमरेटर में आएगा और ये 100 यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में दो जीरो हैं, हम ये दोनों जीरो यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में डेसिमल हमें यहाँ नजर आ रहा है 0 और 3 के बीच में, और जब हम डिनोमिनेटर से दो जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये 0 3 यहाँ पर हमने एज इट इज लिख लिया, ये डेसिमल पहले यहाँ पर था स्टूडेंट्स, 0 और 3 के बीच में यहाँ पर। अब यहाँ से ये दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना है, तो पहले ये 0 को क्रॉस करेगा। अब देखिए इस 0 के लेफ्ट में तो कोई डिजिट नहीं है, तो इस 0 के लेफ्ट में भी हम एक 0 लगाएंगे, और यहाँ से देखिए अब ये डेसिमल एक डिजिट को क्रॉस करेगा, फिर दूसरे डिजिट को क्रॉस करेगा, और ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा। इस डेसिमल के लेफ्ट में हम ये 0 लिख कर दिखा सकते हैं, इस 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है जो डेसिमल के लेफ्ट में होता है। तो जब हमने 0.3 को डिवाइड किया 100 से, तो हमें आंसर मिला है 0.003। अब हम थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 0.78 डिवाइडेड बाय 100, यानी हमें 0.78 को डिवाइड करना है 100 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 0.78 तो यहाँ न्यूमरेटर में आएगा, और ये 100 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में दो जीरो है, हम ये दोनों जीरो यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। तो न्यूमरेटर में डेसिमल हमें यहाँ नजर आ रहा है 0 और 7 के बीच में। तो जब हम डिनोमिनेटर से ये दो जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये 0.78 तो यहाँ पर हमने एज इट इज लिख लिया, अब ये डेसिमल पहले यहाँ पर था 0 और 7 के बीच में, और इसे दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, तो पहले ये इस 0 को क्रॉस करेगा। अब देखिए यहाँ पर इस 0 के लेफ्ट में तो कोई डिजिट नहीं है, और हमें डेसिमल को दो डिजिट लेफ्ट की तरफ लेकर जाना है, तो इस 0 के लेफ्ट में भी हम एक 0 लगा देंगे। अब ये डेसिमल यहाँ से देखिए एक डिजिट को क्रॉस करेगा, फिर दूसरे डिजिट को क्रॉस करेगा, और इन दो डिजिट को क्रॉस करके लेफ्ट में यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और इस डेसिमल के लेफ्ट में हम ये 0 दिखा सकते हैं। तो जब हमने 0.78 को डिवाइड किया 100 से, तो हमें आंसर मिला है 0.0078। अब हम फोर्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 432.6 डिवाइडेड बाय 100, यानी हमें 432.6 को डिवाइड करना है 100 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब ये 432.6 यहाँ पर न्यूमरेटर में आएगा स्टूडेंट्स, और ये 100 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में दो जीरो है, हम ये दोनों जीरो यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। तो न्यूमरेटर में डेसिमल हमें यहाँ नजर आ रहा है 2 और 6 के बीच में। तो जब हम ये दो जीरो डिनोमिनेटर से हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो 4326,
4326 को यहाँ हमने एज इट इज लिख लिया, और ये डेसिमल पहले यहाँ पर था, 2 और 6 के बीच में यहाँ पर, और यहाँ से हमें इस डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ लेकर आना है यहाँ पर। तो यहाँ से ये डेसिमल इन 2 डिजिट को क्रॉस करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो जब हमने 432.6 को डिवाइड किया 100 से, तो हमें आंसर मिला है 4.326। अब हम फिफ्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 23.6 डिवाइडेड बाय 100, यानी हमें 23.6 को डिवाइड करना है 100 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब ये 23.6 स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यूमरेटर में आएगा और ये 100 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, हम ये दोनों जीरो यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। तो न्यूमरेटर में डेसिमल हमें यहाँ नजर आ रहा है 3 और 6 के बीच में। अब जैसे ही हम ये 2 जीरो यहाँ से डिनोमिनेटर से हटाएंगे, ये डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये 236 यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा, और ये डेसिमल पहले यहाँ पर था 3 और 6 के बीच में, और यहाँ से अब ये डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, और इस डेसिमल के लेफ्ट में हम ये 0 दिखा सकते हैं। तो जब हमने 23.6 को डिवाइड किया 100 से, तो हमें आंसर मिला है 0.236। अब हम सिक्स्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया गया है 98.53 डिवाइडेड बाय 100, यानी हमें 98.53 को डिवाइड करना है 100 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब ये 98.53 तो न्यूमरेटर में आएगा और ये 100 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, हम ये दोनों जीरो यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। तो न्यूमरेटर में डेसिमल हमें यहाँ पर नजर आ रहा है 8 और 5 के बीच में। अब जब हम डिनोमिनेटर से ये 2 जीरो हटाएंगे, तो ये जो डेसिमल यहाँ पर है, ये यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये 9853 यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा। अब ये डेसिमल पहले यहाँ पर था 8 और 5 के बीच में, और यहाँ से ये डेसिमल अब 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, और इस डेसिमल के लेफ्ट में हम ये 0 लिखकर दिखा सकते हैं। तो जब हमने 98.53 को डिवाइड किया 100 से, तो हमें आंसर मिला है 0.9853। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।